रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। विजय जब राजीव के अंतिम संस्कार से लौटता है तो रावत को घर के दरवाजे पर खड़ा पाता है। रावत शिप्रा के लिए विजय की बढ़ती सहानुभूति पर हैरानगी जाहिर करता है। उनके बीच बातें हो ही रही हैं कि मुकेश अग्रवाल का फोन आता है। वो विजय को बताता है कि उसे इस बात का यकीन है कि राजीव की हत्या रॉकी ने ही की है, क्योंकि रॉकी अंजलि से मिलने के बहाने उनके घर में सोफे के नीचे छिपी पिस्तौल चुराने आया था। उधर रॉकी अंजलि के सामने इतराने के लिए अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर निकाल लेता है। मुकेश अग्रवाल की बातें सुनकर विजय कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचता है और कमिश्नर से बहस करने लगता है। विजय उन पर भ्रष्ट होने का इल्जाम लगाता है। इस पर कमिश्नर उसे सस्पेंड करने की धमकी देता है, पर जब विजय उनकी सर्विस रिवॉल्वर के बारे में पूछता है तो उसे अपना गुस्सा पी जाना पड़ता है। गुस्से में घर लौटकर वो रॉकी को पीटता है और उससे रिवॉल्वर के बारे में सच उगलवाता है। गुस्सा ठंडा होने पर वो अपने बेटे से सुलह कर लेता है। और इधर कमिश्नर की पत्नी रमा अलमारी से नोटों की गड्डी चुराती है। क्या पैसा, कहाँ रख दिया यश ने पैसा? कहाँ है? यही कहीं होगा। उस्मान भाई का पैसा लौटाना है। आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। आज जरूर मैं चूहे में जीतूंगी और उस्मान भाई का सारा पैसा लौटा दूंगी। मिल गया, अब आपको सब पैसा मिल जाएगा उस्मान भाई। अब आप फिक्र न कीजिए उस्मान भाई। यार जगमोहन, तू अंदर जाना। लाइफ में एक बार पुलिस वालों ने बिठा लिया तो मेरे लिए तो वही बस था यार। और अब तू मुझे प्रॉपर पुलिस स्टेशन लेके आया है, मुझे बहुत डर लगता है यार। चल यार, इन लोगों को कहीं अपना दो नंबर का बिजनेस का पता चल गया तो। बड़ा बंद कर अपना, एक काम है उसे करके निकल लेंगे। उल्लू के पट्टे कितनी बार कहा है कि उस मर्डर केस का जिक्र मत छेड़ा कर हटाएं। चल मेरा क्या काम है, तू ही अंदर जाना। हम दोनों को जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? चल। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आई कमिश्नर। सलाम अलैकुम। मुझे आज शाम तक वो दोनों के दोनों अंदर चाहिए, समझे? क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? हाँ हाँ, मुझे आपसे एक बहुत अर्जेंट काम था सर। बैठिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। हमको आउट ऑफ द स्टेशन जाना है। अच्छा? यस, बिजनेस के काम से हमको अहमदाबाद जाना है, इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। वैसे क्या है कि परमिशन के बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम लोगों ने ही राजू सिन्हा का मर्डर करके पलायन हो गए। क्या मालूम, अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता कि वो मुजरिम है। हाँ आई कह के इसको ठीक से बात करनी नहीं आती, आप परमिशन दे दीजिए। अजीब सिन्हा मर्डर केस, मुकेश अग्रवाल, रानी चौहान, कमिश्नर साहब, रावत, जगमोहन गुप्ता और उस्मान अंसारी। आप लोगों का केस काफी स्ट्रांग है,
मेरे पास आपको रोकने का कोई कारण तो है नहीं, लेकिन तब भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुकेश अग्रवाल की दावत पे गए क्यों थे। ये जगमोहन, इसको फोकट का शराब पीने का बहुत शौक है। नो सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे सूरत में बहुत बड़ी हैंडलूम की फैक्ट्री है, मुकेश अग्रवाल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं से काम था। उन्होंने कहा भी था कि पार्टी में चले आना, वहीं बात हो जाएगी, बिजनेस के और लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए हम चले आए, और कोई बात नहीं थी। और वो स्कॉच पीने का लालच। ठीक है ठीक है, आप बेफिक्र होकर अहमदाबाद जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले वहां का पता और टेलीफोन नंबर इंस्पेक्टर सावन के पास छोड़ देना। सोने के पैसे मिलते हैं, सोने के पैसे मिलते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, अकाउंट क्लोजिंग काउंटर कहाँ है बता सकती हैं? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस, मेरा नाम शीप्रा है, मिसेस शीप्रा सिन्हा। मेरे स्वर्गीय पति राजीव सिन्हा का यहाँ पर अकाउंट है जो मैं बंद करना चाहती हूँ। ये उनका डेथ सर्टिफिकेट और ये पासबुक। दो मिनट में अभी आई। मैनेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप जरा उनके कैबिन में जाएंगे? मैं कमिंग सर। ओह प्लीज कमिंग। सेविंग्स अकाउंट नंबर 2548 आप ही का खाता है? जी नहीं, मेरे स्वर्गीय पति का, वो मैं बंद करना चाहती हूँ। क्या क्या करना होगा मुझे? वैसे मैंने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो बाहर दे दिए हैं। आप आज ही खाता बंद करना चाहेंगे? जी। व्हाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम समथिंग? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अकाउंट नंबर 2548 श्री राजीव सिन्हा का नहीं बल्कि श्रीमती शिप्रा सिन्हा का खाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो इस बैंक में कभी खाता खोला ही नहीं। आपका बैलेंस इस समय 75 लाख रुपए है। क्या 75 लाख? तुम ताश खेलना बंद कर दो। जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो खेलने वाली हूँ, अब मुझे खेलने से कोई नहीं रोक सकता। व्हाट नॉनसेंस, पूरे 45,000 रुपए चढ़ चुके हैं तुम पर, और अब 6 महीने से भी ज्यादा हो गए इस बात को। साल भर पहले 3,000 रुपए कश्मीरी से लिए थे जो आज तक वापस नहीं किए। 5,000 मेरे भी निकलते हैं पिछले साल दिवाली के। झूठ झूठ, माय गॉड लुक एट, 5,000 नहीं 4,800, और कैश थोड़ी लिए थे तुमसे मैंने। अरे जुए में हारी थी, वो भी उधार। चुका दूंगी सबके। कनिका ये लो, बाकी के बाद में दे दूंगी। चलो बाटो पत्ते, किसकी बारी है? ये तो उधार के खाते में चले गए, आगे खेलने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे मैंने शराफत से भी 10,000 लौटा दिए ना तुम्हें, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कनिका? ना भाई ना रमा, ऐसी उधारी मनुष्यत आती है, अगर पैसे हो तो खेलो बैठकर। कनिका इसे कह दो कि मेरे साथ बदतमीजी से पेश ना आए, वरना 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 क्या, अंदर करवा दोगी? पुलिस वाले की बीवी जो ठहरी, धमकी तो देगी। कनिका मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई थी। तुम्हारे पतिदेव तो इस शहर के पुलिस कमिश्नर है, और तुम हमेशा कंगली क्यों फिरती हो? अरे भाई तुम्हारे वैनिटी केस में तो 1,50,000 हमेशा होना चाहिए। आफ्टर ऑल उनके लिए रोज 2-4 लाख ऊपर की कमाई तो मामूली बात होगी। खबरदार खबरदार, जो तूने मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द कहा मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आखिर तुम लोगों का स्टैंडर्ड ही क्या है, हाँ? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? आए हाय बढ़िया स्टैंडर्ड वाली, मैं खूब जानती हूँ तुम्हें, कैसे कैसे चोर डाकू और स्मगलरों से ब्याज पैसे मांगती फिरती है। मैं
आपसे कहा ना, ये पैसे मेरे नहीं है, ना ही मैंने कभी आपके बैंक में खाता खोला था। मेरे पति जरूर आपके बैंक के कस्टमर थे और हम दोनों के नाम पर इस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, लेकिन 75 लाख। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट का नंबर मालूम है आपको? 756। 756 नहीं मैडम, इट इज 777। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, ये लीजिए चाबी, आप ही देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए, 777। डालो इसे, जब नशे की आदत पड़ी गई तो छुपाना कैसा है? ना क्या, ये तो मुझे कुछ हरारत से हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी ब्रांडी ले लो। नशा नशा ही होता है, चाहे वो ब्रांडी हो या कोई और लत। कैसी लत? मैं कुछ समझी नहीं। पुलिस वाला हूँ, दुनिया जहान की खबर रखता हूँ, अपने घर में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं रखूंगा तो पुलिस वाला क्या? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी जासूस नजरें हमारा भी पीछा करने लगी है? तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे दिल, तुम्हारे अंदर की बातें बता देता है मुझे। हम एक दूसरे के साथ क्या नाटक करते रहते हैं, क्यों अंधेरे में रखते हैं? कब तक एक दूसरे से भागेंगे हम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह भी बहुत बड़ा झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच, सच है हमारी पिछली जिंदगी, 20 साल पुराने, जब हम परेल की चाल में सवा कमरे में रहते थे, तब तुम्हारे पास 2 साड़ियां, 2 ब्लाउज और मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े। वो एक बुरा सपना था जो टल गया। बुरा सपना? फिर तो
मैं भी एक बुरा सपना हूँ जो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज पुरानी बातों को मत दोहराओ, मुझे डर सा लगता है। रमा, अभी अभी मैं जिस आईने की बात कर रहा था, वो आईना हमारे आज को हमारे कल के साथ जोड़ता है। वो आईना है हमारा मन, तुम्हारा मन, हम सबके मन। तन्हाई में जब मैं आईने के सामने बैठता हूं तो ढेरों सवाल करता हूं अपनी जिंदगी के बारे में, तुम्हारी जिंदगी के बारे में, और आईना मुझे हर सवाल का जवाब देता है। कहता है कि आगे जरूर देखो लेकिन अपना पिछला मत भूलो। तुम्हें याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम कितने खुश थे, और आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, खुशी नहीं। रमा तुम्हें याद है हैदराबाद में जब प्रमोशन की ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो पागलों की तरह हम एक दूसरे को हर रोज से खत लिखा करते थे। याद है मुझे अभी भी तुम्हारा वो खत याद है जिसमें तुमने लिखा था कि हैदराबाद के किसी बाजार में तुमने मेरे लिए एक साड़ी देखी थी और जिसे खरीदने के लिए मेरे पास 300 रुपए तक नहीं थे। हाँ, और कैसे तुमने बड़ी मुश्किलों के साथ वो 300 रुपए जमा के और मेरे लिए वो साड़ी खरीदी, और जैसे ही तुम बंबई आए तुमने मुझे तुरंत वो साड़ी पहनने के लिए कहा। जब मैं साड़ी पहन कर आई तो तुमने अपना कुर्ता मेरे साड़ी के छोर से बांध लिया और पूछा ये गांठ मजबूत है या नहीं, और कैसे तुमने मजाक में साथ फेरे लेने के लिए कहे और हमने वाकई में साथ फेरे लिए थे। अभी भी वो साड़ी मेरे पास है, उसी जतन से मैंने उसे अलमारी में रखा हुआ है। वो साड़ी की सलवटें भी ऐसे ही है। लेकिन वो गठबंधन जो तुम्हारे और मेरे बीच में था, वो गठबंधन भी मौजूद है यश, है। लगता है उसकी गांठ ढीली पड़ चुकी है, तुम भी वो रमा नहीं रही। तो फिर मैं कौन सी रमा? तुम हो मिसेस रमा दुग्गल, जो एक सोशलाइट है, गैम्बलर है, अल्कोहलिक है, जिसे इन तमाम बीमारियों को पालने के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए, और उससे भी कहीं ज्यादा रुपया चाहिए उसे जुए पर खर्चने के लिए। नो मैटर वो पैसा कहां से आता है, किसका। बस रमा, तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं यार? क्यों नहीं रोका? क्योंकि रमा मैं अपनी नौकरी, अपने प्रमोशन में अंधा हो चुका था। मुझे अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के सामने कुछ नजर नहीं आता था। मैं अपने साथ साथ तुम सबको भूल चुका था। मैं इस बात का मुझे एहसास हो चुका है कि आई प्रूव टू बी ए बैड फादर एंड वर्स हस्बैंड। मैं जिंदगी को एक सिरे से खड़ा होकर देखता हूं तो मुझे लगने लगा है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है तुम दोनों को बुरा भला कहने की। मैं अपनी नौकरी को किसी राज ऋषि की तपस्या से कम नहीं समझता था, और उस तपस्या का फल क्या मिला, ये झूठी शान, ये सब कारे पुछ। ऐसा मत कहो। यदि तुम्हारे एम्बिशंस थे, महत्वाकांक्षाएं थी, तो वो तुम्हारे अकेले की तो थी नहीं, उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा भी तो स्वार्थ था तुम्हें आगे धकेलने में। रमा, आज मुझे बहुत सालों के बाद अपने आप से मिलने का दोबारा मौका मिला है।
इंसान जब तक अपने हाथ से खुद अपने गाल पर तमाचा ना लगाए उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो होश में है या नहीं। मैं सब कुछ छोड़ूंगी यश, मैं झूठ बोलना शराब जुआ सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं वो रमत अकल बनना चाहती हूँ। चुराने आए थे वो लोग? अब यकीन के साथ कह सकती कि उन्होंने वहां से कुछ चुराया नहीं? अब तक तो यही लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ क्या लेने आए थे। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिएगा और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। आपके साथ वहां पर कोई है ना? हाँ, मेरी बाई मेरे साथ है। गुड गुड, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, फिक्र मत कीजिए। आपके साथ वहां पर कोई है ना? हाँ, मेरी बाई मेरे साथ है। गुड गुड, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, फिक्र मत कीजिए। कैप्टन वर्मा, उसी औरत ने पुलिस को फोन किया था। जी, मैं बराबर इस मकान की निगरानी कर रहा हूँ, आपके ऑर्डर आने तक मैं यहीं हूँ। अब यकीन के साथ कह सकती कि उन्होंने वहां से कुछ चुराया नहीं? अब तक तो यही लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ क्या लेने आए थे। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद। मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, एक नींद में जागते हैं, एक नींद में सोते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं।